students. Today's topic is Wildlife Protection Act 1972 Part 2. We have already discussed different type of schedule in the last lecture. Now we will talk about the section 9 in which the hunting rules are described. This section describes what constitutes hunting and the intent to hunt. Hunting wildlife animals is prohibited. The ownership, the rules of ownerships are included in section 4 and 42, 40 and 42. Regarding ownership issues and trade licenses, ownership will be not transferred to another party. He also regarding issue to trade license. Penalties are described in section 51. Penalties are prescribed in section R. Enforcement can be performed by agencies such as the Forest Department, the Police and the Wildlife Crime Control Bureau, WCCB, the Custom and the Central Bureau of Investigation, CBI. Charge sheets can be filed directly by the Forest Department. Forest Department directly charge sheet dakhil kar sakta hai, lekin agar kisi ke paas, किसी भी ऐसी एनफोर्समेंट एजेंसी के पास अगर टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है तो वो अपने केसेस को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर सकता है. समय समय पर इस प्रोटेक्शन एक्ट में अलग अलग तरीके से संशोधन हुए हैं. द कोड हैज़ बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स. द ईयर आर स्पेसिफाइड एंड द एक्ट आर स्पेसिफाइड इन द लिस्ट. जो जो अमेंडमेंट हुए हैं या संशोधन हुए हैं, किस किस साल में हुए हैं, वो यहाँ पर लिस्ट. One, Wildlife Protection Amendment Act was done in 1982, 1986, 1991, 1993, 2003 and 2006. उसके अंतर्गत जो offences हैं उसमें 2002 amendment को लागू किया गया है. The 2002 Amendment Act which came into force in January 2003, 2003 में जो लागू हुआ था, मीट पनिशमेंट एंड पेनल्टी फॉर ऑफेंसेज अंडर द एक्ट. उसमें अलग अलग तरह की पेनल्टी लगाई गई है और पनिशमेंट दिए गए फॉर ऑफेंसेज रिलेटेड टू वाइल्ड एनिमल्स. इट इंक्लूड्स इन स्केड्यूल वन और पार्ट सेकेंड ऑफ स्केड्यूल सेकेंड एंड दोज रिलेटिंग टू हंटिंग और ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ अ सेंचुरी और नेशनल पार्क. जो वहाँ पर जाके शिकार कर रहे हैं या उनकी बाउंड्री को नुकसान पहुँचाते हैं या बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे ऑफेंसेज इस स्केड्यूल में आते हैं. द पनिशमेंट एंड पेनल्टीज हैज़ बीन एनहांस्ड. उनको बढ़ाया गया है. द मिनिमम इम्प्रिजमेंट, जो जेल जाने का मिनिमम समय है वो 3 साल का कर दिया गया है, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स. 7 साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं विथ ए मिनिमम फाइन. उसके ऊपर फाइन भी लगाया गया है 10,000 रुपये का. फॉर ए सब्सिक्वेंट ऑफेंस ऑफ दिस नेचर द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स बट मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स विथ ए मिनिमम फाइन.